शासन के आदेशानुसार गौशाला की जमीन पर चला बाबा का बुलडोजर, जमीन को कब्जा मुक्त कराया। मैनपुरी आगरा रोड स्थित श्री गोपाल आदर्श गौशाला की जमीन पर अवैध अतिक्रमण, लकड़ियों का टाल, टीन के खोके तथा ईंटों की इमारत बना रखी थी, जिसको आज जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेशानुसार जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराकर बाबा का बुलडोजर चलवा दिया। तो वहीं पर उप जिलाधिकारी सदर नवोदिता शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण करीब 40 वर्षों से किए हुए थे। कई बार अतिक्रमणकारियों को सूचित कराया गया था, जल्द से जल्द जगह को खाली कर दे, अन्यथा की स्थिति में इसे स्वयं जिला प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया जाएगा, जिसके चलते आज गौशाला की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। तथा समाज सेवी ने बताया कि आने वाले समय में जनपद की यह सर्वश्रेष्ठ गौशाला मानी जाएगी, जिसमें लगभग 200 से लेकर 250 तक गायों की सुरक्षा व देखरेख की जाएगी तथा जनपद की सबसे अच्छी व सबसे सुंदर गौशाला होगी। आया गया क्या पूरा मामला क्या? श्री गोपाल आदर्श गौशाला और ग्राम सभा की जमीन इस पूरे एरिया में थी, जिसपे काफी दिनों से अतिक्रमण चल रहा था जी। लगभग काफी टाइम हो चुका था, जिसमें जो अतिक्रमण करने वाले लोग थे उनको भी बताया गया कि वो अतिक्रमण हटा लें, जिसके लिए आज प्रशासन ने मुहिम चलाकर उस अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटवाने की चेष्टा की। चल रहा है किस जमीन पर चल रहा है, कहाँ से कौन सा कौन कब्जा किए हुए था और आज कब्जा मुक्त किन के द्वारा किया जा रहा है? ये श्री गोपाल आदर्श गौशाला मैनपुरी की सबसे प्राचीन गौशाला है जी। और यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने, अवांछनीय तत्वों ने लकड़ी डाल करके अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन से कई बार अभियोग करने के पश्चात आज पहली बार हमारे प्रशासन ने गौशाला के हित में गायों की रक्षा के लिए इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए अपना प्रयास किया है। गौशाला अपने अच्छे सुंदर भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पर कम से कम 200 गायों की रक्षा करने के लिए हम लोग गौशाला का निर्माण करना चाहते हैं जी। और उसमें ये सबसे बड़ी बाधा थी, लकड़ियाँ पड़ी थी और एक छोटी सी प्याऊ थी, उसको आज कब्जा मुक्त कराया है यहाँ पर एसडीएम महोदय।